हेलो गाइस, आज हम कवर करेंगे टॉप 5 स्लैशर मूवीज। स्लैशर मूवीज मतलब बहुत सारा खून खराबा जिनमें लोगों को बहुत बुरी तरह मारा जा रहा हो, काटा पीटा जा रहा हो, उन्हें कहते हैं हम स्लैशर मूवीज। इस लिस्ट की सभी मूवीज हिंदी में है, तो वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5 की मूवी है अर्बन लेजेंड। From the bar train to a tour bus, still the same game except I'm pulling more sluts, more butts, more bucks, never giving. ये मूवी आई थी साल 1998 में। ये एक हॉरर थ्रिलर मिस्टीरियस मूवी है। इस मूवी में कहानी देखने को मिलती है कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की, जिनके कॉलेज में अर्बन लेजेंड की कहानियां बहुत मशहूर होती हैं, क्योंकि वो लोगों को बहुत बेरहमी से मार देता था। और इसके ऊपर एक किताब भी लिखी गई है जिसमें बताया गया है लोगों को किन किन तरीकों से मार सकते हैं। और हाल ही में कुछ मर्डर्स हुए हैं जो इस किताब में दिए गए तरीकों से हुए हैं, जिस वजह से इन लोगों को लगता है कि अर्बन लेजेंड वापस आ गया है और इनको भी मार देगा। तो क्या अर्बन लेजेंड वापस आ गया है या नहीं, ये आप इस मूवी में देखिए। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 5.6 की। हमारी नेक्स्ट मूवी है चाइल्ड्स प्ले। ये मूवी आई थी साल 1998 में। ये एक हॉरर थ्रिलर फैंटेसी मूवी है। इस मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है एक सिंगल मदर की, जो अपने बच्चे के जन्मदिन पर उसके लिए एक डॉल लाती है, पर वो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि उसको नहीं पता होता कि ये डॉल कोई नॉर्मल डॉल नहीं है, इसके अंदर एक सीरियल किलर की आत्मा कैद है। और ये सीरियल किलर अब लोगों को एक एक करके मारने लगता है, और इसका अगला टारगेट ये बच्चा और उसकी माँ है। और मूवी में आगे क्या होता है ये आप इस मूवी में देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.5 IMDb पर। हमारी नेक्स्ट मूवी है सोरोरिटी रो। ये मूवी आई थी साल 2009 में। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इसकी कहानी फॉलो करती है कुछ लड़कियों पर जो एक लड़की के साथ प्रैंक करती हैं। वो बताती हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे दोस्त की जान चली गई, अब तुम फंसने वाले हो, अगर तुम्हें बचना है तो इसे छुपाने में हमारी मदद करो। लेकिन वो लड़की जिंदा होती है और उस लड़के को बेवकूफ बना रही होती है, और ये उस बॉडी को दफनाने के लिए जगह ढूंढ रही होती है। और इनका प्रैंक सही चल रहा होता है, लेकिन उनसे एक गलती हो जाती है, और ये गलती होती है उस लड़के से कि उससे सच में मर्डर हो जाता है। और अब ये लोग फंस चुके हैं, और खुद को बचाने के लिए ये किसी तरह बॉडी छुपा देते हैं और नॉर्मल जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कुछ समय बाद कोई इनको ब्लैकमेल करने लगता है और इनके मर्डर होने लगते हैं। तो क्या वो लड़की वापस आ गई है जिसका इनने मर्डर किया था, या फिर कोई और है, ये आप इस मूवी में देखिए। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। हमारी नेक्स्ट मूवी है केविन इन द बूट। जो आई है साल 2012 में। ये एक हॉरर मूवी है। इसकी कहानी फॉलो करती है 5 दोस्तों पर जो घूमने जाते हैं, और वो लोग रुकते हैं एक रिमोट केबिन के अंदर, और उस केबिन के अंदर बहुत सारे भूत पिशाच राक्षस कैद हैं, जो इन लोगों को मारने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये राक्षस इस केबिन के अंदर कहां से आए और ये लोग यहां से बचकर निकल पाएंगे या नहीं, ये आप इस मूवी में देखिए। इस मूवी को IMDb रेटिंग मिली है 7.0/10। हमारी लास्ट मूवी है स्क्रीम। ये मूवी आई थी साल 1996 में। ये एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है। इस मूवी में कहानी दिखाई गई है एक लड़की की, जिसकी माँ का मर्डर सालों पहले हो गया था, जिसकी वजह से ये सदमे में रहती है। और इसको पता चलता है कि सिटी में एक नया सीरियल किलर आ गया है, और वो लोगों को बहुत बेरहमी से मारता है, इस वजह से ये और डर जाती है। और उस किलर का अगला टारगेट ये और इसके फ्रेंड होते हैं, तो वो सीरियल किलर इनको क्यों मारना चाहता है और ये उससे बच पाएंगे या नहीं, ये आप इस मूवी में देखिए। ये एक काफी अच्छी मूवी है। ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। इसे रेटिंग मिली है 7.2/10 IMDb पर। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, और कमेंट करके बताओ आपने इनमें से कौन कौन सी मूवीज देखी है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।